क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 7.8 न्यू बुक 7.9 ओल्ड बुक, इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, लिमिट हमें दी है 1 से 2, ठीक है। अब देखो यहाँ दोनों की डिग्री सेम है तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। ये हमने सब डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा है। तो 5x स्क्वायर को अंदर लिखा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को बाहर, 5x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करो तो हमें 5 मिलेगा, हमने 5 क्वेश्चन में लिख दिया। याद रखना जब भी तुम डिवाइड करो तुम्हें वेरिएबल्स को अरेंज करना है उनकी डिक्रीजिंग पावर में, मतलब पहले बड़ी पावर आएगी फिर छोटी फिर छोटी, इस तरह से दोनों डिवाइजर डिविडेंड को अरेंज करके फिर डिवाइड करना है, रैंडमली कैसे भी डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा 5x स्क्वायर, और 4x इंटू 5 हो जाएगा 20x, और 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। हमें तीनों को 5 से इंटू करके इधर लिखना है, ठीक है। साइन चेंज होगी, सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20x माइनस 15। तो हमारे पास आया है 1 to 5, ठीक है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 स्प्लिट होता है तो हम स्प्लिट करके पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, और अगर ये स्प्लिट नहीं होता है तो फिर हम इसे लिखेंगे न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, मतलब न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करेंगे। चेक कर लेते हैं ये स्प्लिट हो रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से हो रहा है। हम पहले 5 को तो अलग कर देते हैं, 5 डी एक्स अलग कर दिया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये माइनस आ जाएगा 20x प्लस 15, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 स्प्लिट हो गया है, ठीक है। 5 बाहर निकाल लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे 1 टू 5 लिमिट में, माइनस 20x प्लस 15 अपॉन, कॉमन निकालें तो ये x प्लस 3, और यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा क्योंकि इनके पास कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 1 टू 5 माइनस 20x प्लस 15, अच्छा लिमिट 1 टू 2, लिमिट हमारी 1 टू 2 है, यहाँ गड़बड़ हो जाती है अभी, 1 टू 2, ठीक है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा फिर यहाँ वैल्यूज को पुट कर दूँगा, ठीक है। तो 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3। एलसीएम ले लें तो 20x प्लस 15 x प्लस 1 x प्लस 3, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, कैसे करते हैं वो पूरा समझना है, उसके पीछे की थ्योरी तो मैंने एक वीडियो बनाया है पार्शियल फ्रैक्शन पर अलग से, वो जाकर तुम देख सकते हो। ये कैंसिल हुआ, हमारे पास आ गया 20x प्लस 15 इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब मैं पुट करता हूँ x को माइनस 1 तो हमारा b 0 हो जाएगा, 20 इंटू माइनस 1 प्लस 15 इज इक्वल्स टू ए माइनस 1 प्लस 3, तो माइनस 20 प्लस 15 इज माइनस 5 और 3 माइनस 1 इज 2a, तो a हमारा हो गया माइनस 5 बाय 2। और फिर पुट करेंगे हम x इक्वल्स टू माइनस 3 तो हमारा a 0 हो जाएगा, 20 इंटू माइनस 3 प्लस 15 इज इक्वल्स टू b माइनस 3 प्लस 1, तो माइनस 60 प्लस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 2b, तो ये हो जाएगा माइनस 45 इक्वल्स टू माइनस 2b, माइनस से माइनस कैंसिल, b आ जाएगा 45 बाय 2। तो हमारे पास 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ये आया है माइनस 5 बाय 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस 45 बाय 2 अपॉन x प्लस 3, ठीक है। अब इसे दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे तो करते हैं आगे। तो हमारे पास यहाँ था x 1 टू 2, ठीक है, क्या था x 1 टू 2, हम वापस एक बार देख लेते हैं। ये था हमारा x 1 टू 2, बाहर था 5, ठीक है, तो हम 5 लिख देते हैं बाहर, माइनस यहाँ माइनस साइन था। अब 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 1 से 2 माइनस 5 बाय 2 x प्लस
माइनस 5/2 एक्स प्लस 1 प्लस 45/2 एक्स प्लस 3 प्लस 45/2 एक्स प्लस 3 डीएक्स। ठीक है, यहां हम पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, माइनस अलग अलग करते हैं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 टू 2, 5/2 अलग किया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डीएक्स, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 45/2 बाहर लिया 1 से 2 1 अपॉन एक्स प्लस 3 डीएक्स। तो 2 माइनस 1 इज 1 तो 5 वन जा 5 5 रहेगा, 5/2 ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 1 से 2 माइनस 45/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 1 से 2। तो 5 प्लस 5/2 हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 पुट कर दिया x की जगह, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1 पुट कर दिया, माइनस 45/2 यहाँ भी वही काम करेंगे, पहले अपर लिमिट 2 प्लस 3 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस 3। ठीक है, तो 5 प्लस 5/2 ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2 माइनस 45/2 ये हो जाएगा log 5 माइनस log 4। log m माइनस log n हमने पढ़ रखा है, log m बाय n होता है, ये प्रॉपर्टी मैं मेंशन यहाँ कर देता हूँ, एग्जाम में तुम्हें भी मेंशन करनी है अगर ये प्रॉपर्टी कहीं यूज़ करते हो तो। 5 प्लस 5/2 ये हो जाएगा log 3/2 माइनस 45/2 log 5/4। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करना चाहते हो तो 5/2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आएगा log 3/2 माइनस 9, 5 9 से 45 होता है log 5/4। अब 5 प्लस 5/2 log 3/2 माइनस log 5/4 की पावर 9, इस तरह से लिख दें। अब log m माइनस log n फिर वही प्रॉपर्टी यूज़ कर देते हैं, तो 5 प्लस 5/2 log 3/2 अपॉन 5/4 की पावर 9। ठीक है, तो 5 प्लस 5/2 log ऑफ 3/2 इंटू 4 की पावर 9 अपॉन 5 की पावर 9। ठीक है, ज़्यादा है तो 2 काट सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, वैसे तो यहीं छोड़ कर आओ ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इसके फर्दर आगे कुछ ऐसा अच्छा सा बन नहीं रहा है कि हम इसको लिखें, तो यहीं तक तुम छोड़ के आ सकते हो।